एमपीवी 700 वर्सेस टाटा हैरियर। तो इस वीडियो में करेंगे हम इन दोनों कार्स के बीच में कंपैरिजन और देखेंगे कि कौन सी कार बेटर है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों ही कार्स के एक्सटीरियर की। तो एक्सयूवी 700 में हमें मिलती है सी शेप की एलईडी डीआरएल्स, उन्हीं के अंदर हमें मिल जाता है हेडलाइट सेटअप और नीचे आपको मिल जाते हैं फॉग लैंप्स। और अगर हम इसकी फ्रंट लुक की बात करें तो इसकी फ्रंट लुक काफी स्पोर्टी और अग्रेसिव है। और वहीं अगर साइड प्रोफाइल की बात करें तो इसमें आपको मिल जाते हैं 18 इंच के डायमंड कट वाले अलॉय व्हील्स। और वहीं अगर रियर की बात करें तो रियर में हमें मिल जाते हैं एरो शेप के टेल लैंप और नीचे आपको मिल जाती है इस ब्लैक कलर की स्किड प्लेट विद रिफ्लेक्टर्स। तो अब बात कर लेते हैं टाटा हैरियर की एक्सटीरियर की। तो इसमें आपको मिल जाती है कनेक्टेड एलईडी डीआरएल्स, ट्रायंगुलर शेप की हेडलाइट सेटअप और साथ ही में आपको मिल जाती है एक न्यू फ्रंट ग्रिल। और वहीं साइड प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो इसमें आपको मिल जाते हैं 19 इंच के अलॉय व्हील्स और साथ ही में हैरियर की पैचिंग। और वहीं अगर रियर की बात करें तो रियर में हमें मिल जाती है कनेक्टेड एलईडी टेल लैंप और साथ ही में मिल जाता है ट्विट रियर बंपर। तो इस कार की अगर हम लुक्स की बात करें तो ये कार काफी ज्यादा अग्रेसिव लुक के साथ आती है। तो भाई मुझे तो एक्सयूवी 700 की फ्रंट लुक काफी ज्यादा अच्छी लगी और टाटा हैरियर की रियर लुक, अगर दोनों को मिला के एक कार बना देता हूँ। अब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना कि आपको दोनों कार्स में से किस कार की लुक ज्यादा पसंद आया। तो अब बात कर लेते हैं डायमेंशंस की। तो एक्सयूवी 700 की हमें लेंथ मिलती है 4695 mm की, इसकी विड्थ मिलती है 1890 mm की, इस कार की हाइट मिलती है 1755 mm की और इस कार में हमें बूट स्पेस मिलती है 240 लीटर्स की। और वहीं अगर हम बात करें टाटा हैरियर की डायमेंशंस की तो इस कार में हमें लेंथ मिलती है 4605 mm की, इस कार की विड्थ मिलती है 1922 mm की, इस कार की हाइट मिलती है 1718 mm की और इस कार में हमें बूट स्पेस मिल जाती है 445 लीटर्स की। तो यार अगर डिमेंशन की बात करें तो डिमेंशन में कुछ ज्यादा फर्क है नहीं, बस बूट स्पेस आपको टाटा हैरियर में थोड़ी बड़ी मिल जाएगी। तो अब बात कर लेते हैं गाड़ी के मेन पार्ट की, क्या बोला तूने, आई मीन इंजन की। तो इंजन की अगर हम बात करें तो एक्सयूवी 700 में हमें मिल जाते हैं दो इंजन ऑप्शंस। पहला मिल जाता है 1999 सीसी की और दूसरा मिलता है 2198 सीसी वाला टर्बोचार्ज फोर सिलेंडर इंजन जो कि पावर जनरेट करता है 182.38 bhp की और टॉर्क जनरेट करता है 450 न्यूटन मीटर की। और वहीं हमें टाटा हैरियर में मिल जाता है 1956 सीसी का टर्बोचार्ज फोर सिलेंडर इंजन जो कि पावर जनरेट करता है 167.62 bhp की और टॉर्क जनरेट करता है 350 न्यूटन मीटर की। तो अगर इंजन और पावर की बात करें तो एक्सयूवी 700 इसमें से ओडीसी आ गया। तो अब बात कर लेते हैं इंटीरियर और फीचर्स की। तो एक्सयूवी 700 में हमें मिलता है वी टाइप स्टीयरिंग व्हील विद माउंटेड ऑल कंट्रोल, साथ ही में हमें मिल जाती है 10.25 इंच की टच स्क्रीन और साथ ही में हमें मिल जाता है 10.25 इंच का डिजिटल क्लस्टर जो कि पूरा एक ही कंसोल है। और इसी के साथ साथ हमें मिल जाती है पैनारोमिक सनरूफ, कीलेस एंट्री, स्टार्ट स्टॉप बटन, 4 ड्राइविंग मोड्स, 360 व्यू कैमरा, वायरलेस चार्जिंग और ये कार 5 और 7 सीटर वाले दो ऑप्शंस के साथ आती है। वहीं हैरियर में हमें मिलता है 4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील जिसके अंदर हमें एक छोटी सी स्क्रीन भी मिल जाती है और इस कार में हमें मिलती है 12.29 इंच की टच स्क्रीन और 10.24 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। और तो और हमें इस कार में मिल जाती है वेंटिलेटेड सीट्स, वॉइस कमांड, स्टार्ट स्टॉप बटन, कीलेस एंट्री, 3 ड्राइविंग मोड और साथ ही में 360 व्यू कैमरा भी। और ये कार सिर्फ 5 सीटिंग कैपेसिटी के साथ ही आती है। तो अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज सेफ्टी की। तो इन दोनों ही कार्स में हमें 7 एयरबैग्स मिल जाते हैं और दोनों ही कार 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आती हैं। तो अब बात कर लेते हैं इन दोनों ही कार्स की प्राइस की। तो एक्सयूवी 700 का जो एक्सशोरूम प्राइस है वो 14 लाख से लेकर 26 लाख के बीच में है और वहीं हैरियर का जो एक्सशोरूम प्राइस है वो 15 लाख से लेकर 26 लाख के बीच में है। तो दोनों ही कार्स में आपको बहुत ही बढ़िया एक्सटीरियर, इंटीरियर, सेफ्टी और फीचर्स मिल जाते हैं। तो इसलिए इन दोनों कार्स में से किसी एक कार को बेटर बोलना मुझे नहीं लगता सही है। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको दोनों में से कौन सी कार सबसे बेटर लगती है। और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर से करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना क्योंकि ऐसी वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप राइडिंग बट राइड सेफ।